सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरियों में जारी रहेगा प्रमोशन में आरक्षण, 2006 के फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत नहीं। आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, मोबाइल बैंक खातों और स्कूल में एडमिशन के लिए आधार जरूरी नहीं। देश हित से जुड़े मामलों की सुनवाई का होगा लाइव प्रसारण, फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी। प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मायावती ने किया स्वागत, कहा एक हद तक स्वागत योग्य है फैसला। कांग्रेस मीडिया सेल की प्रभारी दिव्या स्पंदना के खिलाफ देशद्रोह का केस, लखनऊ के गोमती नगर थाने में एक अधिवक्ता ने दी तहरीर। 86 साल के हुए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, पीएम मोदी ने दी जन्मदिन की बधाई। अयोध्या विवाद पर अहम फैसले से पहले बोले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कहा धार्मिक अपीलों से दूर रहें सुरक्षा बल। वित्त मंत्री अरुण जेटली का धोखाधड़ी के खिलाफ कारगर कदम, कर्ज नहीं लौटाने वालों पर रहम नहीं, बैंक करे कार्रवाई। ताला तोड़ने के मामले में दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, 7 दिन के अंदर मांगा जवाब। बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को मिली मंजूरी, कुल 24 प्रस्ताव को मिली मंजूरी। दिल्ली में गिरी 4 मंजिला इमारत, 1 महिला समेत 4 बच्चों की मौत, 7 से ज्यादा लोग जख्मी। सीएम योगी को 19 साल पुराने मर्डर केस में मिला कोर्ट का नोटिस, 7 दिन में मांगा जवाब, 27 अक्टूबर को होगी सुनवाई। शिवपाल यादव के सेक्युलर मोर्चा की होर्डिंग से मुलायम की तस्वीर गायब, इटावा के कई चौराहों पर लगाई गई हैं होर्डिंग्स। मेरठ पुलिस ने पिछले 24 घंटे में किए 4 एनकाउंटर, 10,000 का इनामी गिरफ्तार, कारतूस समेत मोटरसाइकिल बरामद। हापुड़ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 5 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार, आधा दर्जन से भी ज्यादा केस थे दर्ज। दिल्ली में होने वाले बीजेपी सम्मेलन की तैयारियां शुरू, नरेश अग्रवाल ने लिया जायजा, SC ST एक्ट पर व्यापारियों को दिया आश्वासन। बिजनौर के थाने में उड़ी कानून की धज्जियां, फोन पर पत्नी को दिया तलाक, थाने में पुलिस ने प्रेमिका के साथ कराया विवाह। हमीरपुर में 2 पक्षों के बवाल के बाद कर्फ्यू, कंस वध मेले के जुलूस को लेकर हुआ था विवाद, पुलिसकर्मियों पर भी पथराव। फिरोजाबाद में सफाई कर्मचारियों के साथ नायब तहसीलदार ने की मारपीट, गुस्साए कर्मचारियों ने ठेकेदार पर बोला हमला, रिपोर्ट दर्ज। गाजियाबाद में छात्रों ने मनाया काला दिवस, 29 साल पहले आंदोलन के दौरान हुई थी 2 छात्रों की मौत। कानपुर में BSC की छात्रा से गैंगरेप, जहरीला पदार्थ खिलाकर किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने में जुटे पर्यटन मंत्री, कहा मेहनत कर रहे हैं मंत्री, अधिकारी नहीं ले रहे रुचि। चमोली में लोगों को मिला डिजिटल इंडिया योजना का लाभ, समय बचाने के लिए कागज का इस्तेमाल होगा कम। हरिद्वार में अतिक्रमण को लेकर कांग्रेस ने प्रशासन पर लगाया आरोप, SDM ने कांग्रेस के आरोपों को बताया गलत। उत्तरकाशी में बढ़ रहा है वायरल बुखार का प्रकोप, 5 लोगों की मौत, अस्पतालों में 50 से ज्यादा मरीज।